हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 से संबंधित। ठीक है, तो इसमें इसके सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे हम लोग। संदर्भ: महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया है। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। अधिनियम खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है। अब समझ रहे हो आप कि 1897 में जो कानून बना था उसी का प्रयोग हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ये तो उसी अंग्रेजों के जमाने का था, वो तो चले गए, लेकिन उनका कानून अभी अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये उसी जैसा है कि बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया है और आप कहिए कि बैलगाड़ी से चलिए। समझ में आए कि मतलब तब से हालत और अलग थी, अभी हालत और अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसे बदलते रहना चाहिए था, पहले ही बदल जाना चाहिए था। बहुत से ऐसे कानून अभी बदले हैं कुछ ही दिन पहले कि जो अंग्रेजों के जमाने में बने हुए थे और अभी तक लागू थे। अध्यादेश अधिनियम में संशोधन करता है। इसके अनुसार महामारी रोगों से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा को शामिल किया गया है और ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार किया जाए। बात करते हैं अध्यादेश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। परिभाषा: अध्यादेश स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे महामारी से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के दौरान महामारी की बीमारी का खतरा होता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: सार्वजनिक और निदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर और नर्स, इस बीमारी के प्रकोप को रोकने के उपाय करने के लिए कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य व्यक्ति। हिंसा का कार्य: हिंसा का कार्य में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किए गए निम्न में से कोई भी कार्य शामिल: जीवित या कामकाजी परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला उत्पीड़न, जीवन को हानि, चोट या अन्य खतरा, कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति। संपत्ति में निम्न को सम्मिलित किया गया है: निदानिक स्थापना, क्वारंटाइन सुविधा, मोबाइल मेडिकल यूनिट, अन्य संपत्ति जिसमें एक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का प्रत्यक्ष हित है महामारी के संबंध में। बात करते हैं केंद्र सरकार की शक्तियां। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार निम्न को विनियमित कर सकती है: किसी भी जहाज को किसी भी बंदरगाह पर छोड़ने या पहुंचने का निरीक्षण, प्रकोप के दौरान बंदरगाह से यात्रा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति की निगरान नजरबंदी। अध्यादेश किसी भी भूमि, बंदरगाह, बंदरगाह या हवाई यातायात पर जाने या पहुंचने वाले किसी भी बस, ट्रेन, मालवाहन, जहाज या फिर विमान के निरीक्षण को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है। इसके अतिरिक्त आपका केंद्र सरकार इन साधनों से यात्रा करने की इच्छुक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान। अध्यादेश में निर्दिष्ट किया गया है कि निम्न कार्य सभी व्यक्तियों हेतु निषेध होंगे: एक, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्यविधि, किसी महामारी के दौरान किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या क्षति पहुंचाना, इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा का एक कार्य गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल की कैद
और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा होगी। ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। बात करते हैं क्षतिपूर्ति। अध्यादेश के तहत अपराधों के दोषी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी उत्तरदायी होगा जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई। ऐसे मुआवजे का निर्धारण आपका न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संपत्ति के नुकसान या नुकसान के मामले में पीड़ितों को देय मुआवजा क्षतिग्रस्त या खोई हुई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य की दुगनी राशि होगी, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली की जाएगी। जांच। अध्यादेश के तहत पंजीकृत मामलों की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षक के पद से नीचे नहीं की जाएगी, यानी कि इसे निरीक्षक पद से नीचे नहीं होना चाहिए इसका पद। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। पर्याप्त का परीक्षण। 1 वर्ष के भीतर जांच या फिर परीक्षण का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि यह इस समय अवधि के भीतर समाप्त नहीं हुआ तो न्यायाधीश को देरी के कारण को दर्ज करना चाहिए और समय अवधि बढ़ानी चाहिए। हालांकि समय अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता। जब किसी स्वास्थ्य सेवा के कर्मियों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो अदालत यह मान लेती है कि वह व्यक्ति अपराध का दोषी है, जब तक कि इसके विपरीत साबित ना हो जाए। इसका लाभ क्या हुआ? जैसा कि कोरोना प्रकोप के दौरान देखा गया है कि कतिपय दुष्प्रवृत्ति के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को हताहत किया है, जिसने स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को छीन किया है। इस अध्यादेश के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक अधिनियम के प्रावधान अपराधियों के मनोबल को छीन करेंगे। तो ये था आपका महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020।